नमस्कार बच्चों, नमस्कार। क्या देख रहे थे आप? कुछ विशेष? क्या विशेष था आज? क्या बता सकते हैं क्या विशेष था आज? बोलिए, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी चलिए। तो भाई आज तो स्पेशल है, और आज स्पेशल के दिन मैं स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, और इस टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा कुछ बच्चों को, कि उन बच्चों ने बहुत बड़ा डिमांड था कि सर विलियन एक बार पढ़ा दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं। आज ये सोचिए कि विलियन में पूरा का पूरा विलियन के टॉपिक कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये भी बताने वाला हूं। मैंने पोलिंग किया था आप लोगों से। पोलिंग में ये पता चला कि लगभग 61% 61% स्टूडेंट ने ये कहा, 61% स्कूलों से ये जवाब मिला कि उनके यहां विलियन चल रहा है, यानी कि चैप्टर वन चल रहा है। क्या ये सही है? आप लोग बताइए जरा। चलिए, लाइव क्लास है बेटा, थोड़ी सी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मुझसे बात कर सकते हैं आज स्पेशल, क्योंकि फिर मैं आज कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है इस साल, इसके बारे में बात करूंगा। चैप्टर वन विलियन ऐसे समझोगे तो सरल हो जाएगा, स्कूल में सबसे आगे हो जाओगे। ये लाइनें मैंने इसीलिए लिखा है कि मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा विलियन के लिए कि उसे समझने पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब उन बच्चों की कहानी है कि जो बच्चे बोल रहे थे सर चैप्टर टू चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो क्या होगा? वो तो कंटिन्यू चलेगा बेटा, उसकी कोई बात नहीं है। पर विलियन को क्यों लिया मैंने? देखो, चैप्टर टू चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी विद्युत रसायन चल रहा, वो कंटिन्यू चलेगा, नेक्स्ट क्लास से वही चलेगा, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा विलियन को बहुत अच्छा बनाना चाहता है और क्लास चैप्टर वन को सबसे अच्छा बनाना चाहता है, उनको लिए क्या है मेरे पास? उनके लिए कौन सा पार्ट है, क्या चीज है जिसको पढ़ करके वो सबसे बेहतर कर सके, इसके बारे में बात करूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कह सकते हो, कुछ बोलना चाहते हो कह सकते हो। जय भीम लिखा हुआ एक बच्चे ने, और क्या है भाई, आप अपनी अपनी बातें कह सकते हो थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं क्लास चालू करूंगा, क्योंकि आज आपसे थोड़ी बात करना है ताकि आप इस साल को बेहतर बना सको। चलो भाई बच्चों बताओ क्या करना है। जय भीम, और क्या है भाई, कोई स्पेशल बताना? मुझे लिंक चाहिए पुराने लेक्चर का, बिल्कुल अभी बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, विलियन का चैप्टर वन का पूरा, चैप्टर वन यानी विलियन का लिंक मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का, एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्या भाई, क्या स्पेशल है, कुछ बोलना चाहते हैं? आज बहुत दिनों में आई हूं, ठीक है बेटा, तो रेगुलर रहिए। अगर एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो फिर बहुत समस्या होगी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। कौन है भाई? आदर्श राज ने कहा है, थैंक यू थैंक यू। और कोई भाई जो भी कहना चाहते, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप केमिस्ट्री में इस चैप्टर को बहुत बेहतर बना सकते हो। बेटा थोड़ा सा बच्चे आ जाए तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ साथ एक बात कहूंगा साथ ही में, यह है चंद्रयान 3, विक्रम प्रज्ञान। विक्रम नाम मेरे से नहीं लिया गया है, विक्रम नाम लिया गया है विक्रम साराभाई पटेल से लिया गया है, ठीक है? वो एक महान वैज्ञानिक रहे हैं इस क्षेत्र में, तो समझ सकते हैं कि आप ये जब आज प्रक्षेप हुआ, चंद्रयान लॉन्च हुआ, उस समय आपने देखा होगा 2:35 पर, एग्जैक्ट टाइमिंग पर ये लॉन्च हुआ है। और ये जो है आने वाले 40 दिन का ये अभियान है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो ये आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है, प्राउड फील करने का दिन है, समझ सकते हैं इस बात को। तो भैया आप सब वैज्ञानिक बनना है ये सोच लो, चाहे आप मेडिकल साइंस में बनो, चाहे जीव विज्ञान में बनो, चाहे आप किसी भी प्रौद्योगिकी में बनो, चाहे जो भी बनो, चाहे ये रॉकेट विज्ञान में बनो। रॉकेट विज्ञान में मेरा एक स्टूडेंट है इसरो में, महेंद्र जोशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे मेरे पड़ोस में ही है उनका घर, और मेरे पास पढ़ता था वो, तो मेरे घर के जस्ट पीछे ही उनका, उनके जीजा जी का घर है, और मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर, 4 या 5 किलोमीटर दूर उनका घर है। तो भाई आपको बता दूं, वो स्टूडेंट पढ़ा था, बहुत होशियार रहा, तो यहीं पर है, इसरो में ही है। तो मेरा कहना है कि भाई ऐसा ही वैसे ही स्टूडेंट बने। मेरे पास फोटो रखा हुआ, मैं गलती कर डाला उस बच्चे का, फोटो आपको नहीं ले पाया, ला पाया। तो
तो आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आप सब भी एक वैज्ञानिक बने, एक साइंटिस्ट बने। वो रॉकेट साइंटिस्ट है और उसके अंडर तकरीबन 1000 जो और भी वह साइंटिस्ट है वो काम करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। तो समझ सकते हो कि आप भी बन सकते हो, पर सवाल है कि कैसे बने। इसके लिए भी बेटा आपको बता दूं, एक एक चीजें, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को समझते हुए बड़े आसान तरीके से, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मतलब सीधा सीधा रॉकेट नहीं सीखा जाता है। उसके लिए पहले शुरुआत होती, भाई विलियन को तो जानो, विलियन समझ में आ, विलियन के क्वेश्चन समझ में आ, यहीं से शुरुआत होती है आपके विज्ञान वैज्ञानिक बनने का। क्योंकि आपका 11th और 12th बेस्ट होगा तब आप साइंटिस्ट बनेंगे। बच्चों इसी के लिए मैंने एक चीज और रखा है आप सबके लिए, एक बढ़िया सा, कल मैंने लाइव टेस्ट रखा हुआ है रात को 8 बजे। उसके लिए मैंने नीचे गूगल शीट पर एक लिंक दिया है, उस पर जाइएगा। लाइव टेस्ट में जो बच्चा टॉप करेगा, तुरंत रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं लास्ट में, जो बच्चा टॉप करेगा उसको 12th का एक पूरा कोर्स आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने पिछले टाइम लाइव टेस्ट में यह बताया था। तो कल के क्लास में आप जरूर अटेंड करना, आपको एक पूरा कोर्स, पेड कोर्स आपको मिलेगा, यह ध्यान रखेगा, सारा सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट आपको मिलेगा। आपको टॉप करना है, पूरी मेहनत कर लीजिएगा। कल मैं क्वेश्चंस करते जाऊंगा, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, पर आपको वहां पर पास होना है, ध्यान रखिएगा। विलियन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बीच में हेलो एल्केन पढ़ा रहा था उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरे दिन भर मेहनत करिए, हो सकता है एक कोर्स के आप विनर बन जाए। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गूगल फॉर्म में, उसको फिल कर लीजिएगा और आप जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। चलिए दूसरी बात, विलियन को अगर आप समझना चाहते हो, आपके स्कूल में चल रहा है, अलग अलग बच्चे अपने अपने जगह के बता रहे हैं, सर एक मिनट नीचे करो, सर मैंने 11th में केमिस्ट्री आपके रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ी हूं, ठीक है, 95% हाईएस्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री में उन्होंने 95% लाया है प्लस, हाँ नंबर है केमिस्ट्री में, ओके वेरी गुड बेटा। सर क्या लिखे, केमिस्टर केमिस्ट्री में हमको हिंदी समझ नहीं आता है, इंग्लिश में बताइएगा। ओके कोशिश करते हैं बेटा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पे है तो उनको भी ध्यान रखते हुए करा गया है ये क्लास। और क्या है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा भाई, लाइन से करूंगा। आज की क्लास स्पेशल क्या है, मैंने विलियन क्यों लाया वो बता देता हूं, फिर विलियन को कैसे पढ़ना है बताता हूं। आज विलियन एक तरह से छोटा रिविजन कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं विलियन को इस तरह से पढ़ोगे कि विलियन आपके लिए आसान हो जाएगा। और विलियन के सारे क्लास मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, बिल्कुल वहां पर जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो तीन प्लेलिस्ट दिया गया है, तो आप पुराना वाला भी देख सकते हो, चाहे नया वाला देखना चाहो या और नया वाला देखना चाहो, जो भी देखना चाहो आप उसमें से देख लीजिएगा, उसमें सारे लेक्चर हैं विलियन के। दूसरा काम, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका रेगुलर चलता रहेगा, दोबारा मैसेज कर रहा हूं इन बातों का। पहली बात, विलियन को हम आसान तरीके से कैसे पढ़ें, बताओ आपके स्कूल में विलियन चल रहा है, आपको कुछ तकलीफ हो रही है, बेसिक पढ़ा हूं साइंस, प्लीज सपोर्ट में लिंक, ठीक है, आप सब कुछ हो जाएगा, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। और क्या पढ़ा भैया, सर ये चैप्टर पढ़ना पढ़ चुके हैं, वेरी गुड, मैं बता रहा हूं बेटा, साबिया कह रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ चुके, बिल्कुल आप पढ़ चुके हो ये चैप्टर, मैंने नहीं कहा आपने नहीं पढ़ा है, आपने ये चैप्टर पढ़ चुका है, मैंने पढ़ा दिए, दो दो तीन तीन बार पढ़ा दिया, पर एक दिन की क्लास आज इस चैप्टर को देते हैं उन बच्चों के लिए जो पीछे रह गए हैं, उन बच्चों के लिए जिनको स्कूल में जाने पर तकलीफ हो रही है कि सर कैसे समझे इस चैप्टर को। तो क्या आप सब तैयार हैं, यस और नो में जवाब दो भाई जल्दी से, क्या इस चैप्टर को आसान तरीके से पढ़ने का तरीका समझना चाहेंगे, यस और नो में जवाब दो, लाइक बटन दबाकर की बता सकते हैं, जल्दी से लाइक बटन दबा के बताएंगे तो मैं आपको यह चैप्टर चालू करूंगा आज, बस आज ऐसे बताऊंगा कि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हो, एक एक चीज समझ सकते हो, अपने स्कूल में भी समझ सकते हो। क्या आप ये चाहते हो, जल्दी बोलो हां कि ना जी, क्या आप चाहते हो, लाइक बटन दबा के बताओ बेटा जल्दी से, अगर लाइक बटन में ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं तो समझ जाएंगे कि आप चाहते हो। ये पोलिंग से अभी समझ में नहीं आएगा भाई, इसमें बता दो यार जल्दी से, ठीक है जल्दी, ओके 99% बच्चों ने कह दिया भाई, 96% बच्चों ने कहा यस। तो चलिए विलियन देखो बेटा, किसी चैप्टर को जब समझते हो ना
तो उसका सबसे सरल तरीका है, चंद्रयान के लिए, चंद्रयान के लॉन्चिंग में आप सबको क्या बोलेंगे, बधाई, कंग्रेचुलेशन आप सबको इसके लिए। और हमेशा याद रखना, इस देश को प्राउड फील होना चाहिए, और आपने अपने आंखों से देखा है आज इसकी लॉन्चिंग, जिंदगी भर याद रखिएगा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और जिन बच्चों को यह बनना है, बेटा पढ़ो आज विलियन, विलियन देखो बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो उस चैप्टर के जो टॉप नेम होता है ना, उसका मतलब समझना है। विलियन का क्या मतलब है? विलियन का सीधा सा मतलब है मिश्रण, हर टाइप का मिश्रण नहीं, एक विशेष प्रकार का मिश्रण। विलियन क्या होता है? एक मिश्रण होता है, जानते हैं मिश्रण, मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण, यहां पर इस शब्द को ध्यान रखना बस। विलियन क्या होता है? एक मिश्रण होता है, क्या होता है बोलो, मिश्रण, कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, बस एक शब्द को ध्यान रखना, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। बस एक छोटी सी बात को पकड़ लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यह समांग शब्द का मतलब क्या होता है, होमोजेनस का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बात पूछूंगा, पानी में नमक मिलाओ, पानी में नमक घोलो, पानी का कोई भी बूंद उठाओ, कोई भी किसी भी जगह से आप एक चम्मच पानी उठाओ और चख के देखो, हर बूंद, हर चम्मच पानी एक जैसा स्वाद देता है। एक गिलास पानी, एक चम्मच शक्कर मिलाए ना, उसको घोले, अच्छे से घोलने के बाद कहीं से भी पानी निकालो, हर जगह पर एक जैसा स्वाद होता है, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है बच्चा, यह बात ध्यान रखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर को समांगी मिक्सचर कहते हैं। सर ट्वेल्थ क्या लिखा है बच्चे ने, संत कुमार ने लिखा, सर ट्वेल्थ कैसे टॉप करें, बेटा यह चैप्टर अच्छा कर लो, एक चैप्टर में टॉप करके दूसरे चैप्टर टॉप कर जाओगे, कल टेस्ट भी है, लाइव टेस्ट, उसको दिलाओ, टॉप कर जाओगे कल, बिल्कुल रहिएगा। और मैंने कहा ना, टॉप करने के लिए बहुत जरूरी है सही तरह से पढ़ाई करना, और पढ़ाने वाले का भी मंशा होना चाहिए कि आपको सही तरह से पढ़ाए। चलिए साहब बात करते हैं, समांगी मिश्रण क्लियर हो गया, बोलो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, बिल्कुल क्लियर, एक परिभाषा आप लिख सकते हो। विलियन में बता, जिन पदार्थों से वो विलियन बनता है उनको घटक कहते हैं, घटक, एक दूसरा शब्द आता है घटक, यानी कि कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स किसको कहा जाता है, घटक किसको कहेंगे, जिन पदार्थों से विलियन बना है, नमक का विलियन, पानी एक घटक है, दूसरा घटक नमक है, शक्कर का विलयन, पानी एक घटक है, दूसरा घटक शक्कर है, क्लियर। तो पानी का, नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, अब आपने बोला पानी में मैंने एक चम्मच शक्कर घोला है, आधा चम्मच नमक घोला है, इसमें कौन सी चीज घटक है, पानी भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, तो जिन पदार्थों से विलयन बना होता है उसे हम घटक कहते हैं, जिन पदार्थों से विलयन बनता है उसे हम घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। यहां पर एक बात हमेशा याद रखना, विलयन दो घटक, दो पदार्थों से बने हुए विलयनों को हम पढ़ने वाले हैं आज, तो याद रखिएगा उस विलयन को कहा जाएगा दो घटकों से, दो घटकों या दो पदार्थों, पदार्थों से बना विलयन, विलयन क्या कहलाएगा, द्विघटकीय विलयन कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, द्विघटकीय विलयन कहलाता है, द्विघटकीय विलयन कहलाता है, ध्यान रखेंगे, दो घटक से बने विलयन को द्विघटकीय विलयन कहेंगे, और इनमें, इन घटकों को नाम दिया जाता है, तो एक घटक कहलाएगा विलायक और दूसरा घटक कहलाएगा विलेय, और इस तरह से घटक विलायक और विलेय दोनों से हो गया विलयन। तो विलयन में दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ को विलायक कहा जाएगा, दूसरे पदार्थ को विलेय कहा जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी कोई चैप्टर नहीं समझ में आता, इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुरुआत के टॉपिक आप नहीं समझते हैं, या तो उसे छोड़ देते हैं, यार ये तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे गड़बड़ करते हैं। किसी बच्चे को पूछूंगा विलायक किसे कहते, छोड़ना यार ये मेरे को समझ में आता है, आगे चलता हूं, जो कठिन चीज है, तो कठिन में कहा, अब राउल के नियम पर चले गए,
आपने हेनरी के नियम के तरफ चले गए, आपने बोला यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेता हूं, तो ऐसे में नहीं समझ में आएगा। कभी भी किसी चैप्टर को अच्छा करना चाहते हो या किसी रिजल्ट को टॉप करना चाहते हो तो आपको हर चैप्टर की बेसिक पॉइंट को समझते हुए उसके एडवांस पर जाना पड़ेगा, उसकी गहराई पर जाना होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखें। तो ध्यान रखो क्या बोला, विलायक और विलय। विलयन में दो घटक होते हैं, विलायक होता है और विलय होता है। तो विलायक किसे कहेंगे, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो अधिक मात्रा में है उसे विलायक कहेंगे, जो मात्रा जिसकी मात्रा कम है उसे विलेय कहेंगे। क्लियर? बोलो साहब क्वेश्चन। सर क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई, कराऊंगा बेटा। आपकी बात नोट कर ले रतन, नोट कर लो। ये बच्चे जो जो वो मैसेज कर रहे हैं सब कुछ नोट कर लो, और सबकी जो है सबकी बातों को हम ध्यान में रखते हुए अगली क्लासेस करते जाएंगे। आपकी डिमांड पर ही क्लास होती है बेटा। आपकी डिमांड थी कि विलयन लेना है तो हमने आज विलयन लिया। और हां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रख लो चलेगा बेटा, ध्यान रखना ठीक है। और हां इस चैप्टर का पूरा वीडियो पूरे डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाकर के पूरा पढ़िएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आएगा ठीक है। तो विलय विलायक क्लियर हो गया। अधिक मात्रा में जो है वो विलायक है और कम मात्रा में है विलय है। विलायक सॉल्वेंट और विलय सॉल्यूट कहलाता है इंग्लिश में, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। विलायक को बेटा हमेशा ए से दर्शाएंगे और विलय को हमेशा हम बी से दर्शाते हैं। तो घटक ए मतलब विलायक, घटक बी विलय। बेटा एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने एक गिलास पानी लिया उसमें एक चम्मच शक्कर घोला, अच्छे से घोला, बताओ इसमें पानी में देखो नमक का विलयन में दो चीजें पानी है और शक्कर है, तो मुझे बताओ कौन सी चीज विलायक है और कौन सी चीज विलय है, जल्दी बताओ बच्चों, मेरे से बात करो, आज आपको बात करने का बात करो जल्दी से, आप बताओ मुझे कि विलायक कौन सा होगा विलय कौन सा होगा, जल्दी बताओ बच्चों, बहुत आसान है। पानी की शक्कर, पानी विलायक है कि शक्कर विलायक है, पानी विलय है कि शक्कर विलय है, जल्दी बताओ जल्दी। और विलायक और विलय को बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विलायक को ए से और विलय को बी से दर्शाएंगे। ये छोटी सी बात एकदम बेटा, मैं बताता हूं ना, जब सरल बातें समझ में आ जाती है ना, जब शुरुआत समझ में आ जाती है ना, तो हर चीज एकदम पकड़ में आने लगता है, बहुत आसान होने लगता है हर चीज। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। बताओ बच्चों बोलो, पानी विलायक है, यस, क्यों? क्योंकि मैंने एक गिलास लिया है साहब, एक गिलास, जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम है वो विलय है। अब बात समझ में आ गया, अब बात सबके समझ में आ गया। तो बेटा एक बात है, हम जब इस पूरे विलयन को समझते हैं ना, तो कुछ संकेत हमें बड़ा परेशान करता है। ये सर यहां पर कभी कभी ए आता है, कभी कभी बी आता है, कभी डब्ल्यू आता है, कभी एम आता है, कभी वी आता है, कभी एक्स आता है, कभी स्मॉल एन आता है, ये सब क्या है सर, किस चीज को लिए हम लिखते हैं? और बहुत सारे फॉर्मूले जब लिखते हैं तो ये बार बार परेशान करता है, कभी कभी ये परेशान करता है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए एम बी। बेटा ये जो छोटी चीज है मैं बता रहा हूं आपको, जब मैं पढ़ाता हूं क्या बताते ऑफलाइन में, तो कई बच्चों के दिमाग में यही एक परेशानी रहती कि सर ये क्या लिखते हो, भले कितनों बता दो, पर बच्चा वहीं पर अटक जाता, सर मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है। यार घुसाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, लेकिन अगर तकलीफ है तो मैं बताता हूं कैसे हम फॉर्मूले में संकेतों को यूज करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लिखते हैं वी ए वी बी, इसी तरह से एक्स ए एक्स बी एन ए एन बी, इस तरह से हम लिखते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या है ये? बहुत बढ़िया, अभी बात किया था मैं, ये विलायक है, सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, विलायक है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? विलेय है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। और ये क्या चीज है? द्रव्यमान है, ग्राम में मात्रा है, द्रव्यमान, वेट है। ये क्या चीज है? अणुभार है, आणविक द्रव्यमान की भी कह सकते हैं, अणुभार है, आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान लिख सकते हो। चलिए ये क्या चीज है? आयतन, किसका? विलयन का आयतन, किसी चीज विलयन, विलयन का आयतन, विलायक का आयतन, जो भी कहें। ये क्या चीज है? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज नहीं जानते तो आपको बताऊंगा बाद में, अभी नोट कर लीजिएगा। यह क्या चीज है? मोल, मोल कभी नहीं छोड़ेगा आपका साथ,
याद रखना इस बात का, मोल कभी नहीं छोड़ेगा आपका साथ, मोल आपको परेशान भी करेगा और मोल आपके लिए आसान भी होगा। मोल है तो आप पूरे विज्ञान में न्यूमेरिकल कर सकोगे। चलिए साहब ये है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, बोला जाता है, देखो पढ़ने का तरीका क्या है, W A मतलब A ऑफ W यानी कि A का W, इसका क्या मतलब हुआ, A मतलब विलायक, W मतलब द्रव्यमान, वैसे ही बोलना है तो विलायक का द्रव्यमान अब मैं आपको विलयन के उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर इन सारी चीजों के यूज होने वाला है। और देखो है छोटी सी बात पर विज्ञान को समझने के लिए हमें हमेशा कभी भी कोई चीज ना समझ में आए ना तो उसके बेस से समझना शुरू करो, शून्य में हो जाओ। और जो इंसान कभी भी शून्य में जाकर के नहीं खड़ा होता है वो कभी भी शून्य से लेकर के एडवांस तक की बातों को नहीं पकड़ता और नीचे ऊपर चढ़ने के बाद धड़ाम से गिर जाता है। तो गिरना है तो आप जानो, चढ़ना है तो आप जानो। आप बोलते हो ना सर मेरा 95 प्लस कैसे लाऊं, कुछ बच्चों ने अभी भी पूछा था, तो इसी तरह से ला सकते हो बेटा जब आप सही तरह से पढ़ोगे। और ऐसे ही एक एक पॉइंट को सिखाते हुए पूरा क्लास पढ़ाया गया है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे दिया है, लिंक में दे दिया है, 3 प्लेलिस्ट दिया है, पहला प्लेलिस्ट पुराना वाला, दूसरा प्लेलिस्ट नया वाला, फिर ऐसे ही दिया है मैंने। तो एक कोई भी एक प्लेलिस्ट से आप पूरा पढ़िए, पूरा ये विज्ञान पढ़िए, पूरा सॉल्यूशन पढ़िए, मैंने दे दिया है आपको। तो बेटा ये क्या होगा बोलो, बी का डब्ल्यू मतलब विलेय का द्रव्यमान ये है, तो हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। तो आप लिख सकते हो ना पूरा, कौन सी चीज क्या है लिख सकते हो ना, बोलो बोलो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है बेटा, तो लिख सकते हो, ये देख लो और उसके हिसाब से इनको लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, बोलो यस और नो। आपका दिमाग खुल गया, चाबी खुल गई बेटा, चाबी खुल गई। अब बताता हूं मैं आपको विलयन में क्या और जानना है। चलिए साहब बोलो जल्दी, ओके जी वेरी गुड। अब आपसे सर आपका नंबर क्या है, मेरा नंबर है 0124715825 पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो साहब आगे बात करता हूं। विलयन की परिभाषा यहां पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए साहब अब बात करूंगा विलयन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है विलयन की सांद्रता का निर्धारण। क्या विलयन की सांद्रता इकाइयां, विलयन की सांद्रता इकाइयां कौन कौन सी सांद्रता इकाइयां जिसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बताता हूं, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, तीन चीजों को आप अच्छे से कर लें। ठीक है, क्या क्या बोला, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। तो देखें पहला है मोलरता, जिसको कहते हैं मोलारिटी, विलयन की सांद्रता बताते समय क्या करते हैं, इसकी मोलरता इतनी है, इसकी मोलरता इतनी है, ये मोलरता है एक साथ। दूसरा है मोललता, मोललता, मोलैरिटी, और तीसरा महत्वपूर्ण है मोल प्रभाज। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस विज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि कई बार आएगा। फिर अगर आप और भी चीजें हैं जैसे कि इसके बाद वाला, ये सबसे ज्यादा जरूरी ना, इसके बाद आता है नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, एन से दर्शाते हैं, मूल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं, मूल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, कैपिटल एम से इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी, इसको हम समझेंगे एक एक करके। इसके साथ चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले समझ लें, इसमें आगे बढ़ने से पहले मोल, कोई भी बच्चा अगर जानता हो तो मोल का फॉर्मूला अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। मोल का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, कौन जानता है बताओ मुझे, मोल का फॉर्मूला जो बच्चा बता सकेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप बताएंगे।
सर हाँ क्या लिखे, अयाज खान कह रहे हैं कि सर आप फिर से क्यों पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा रहा बेटा, वो बच्चा जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है विलियन, उसको विलियन अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों को मैं समझा रहा हूं कि विलियन को कैसे पढ़ना है, विलियन बड़े आसान हो जाएंगे, ये समझा रहा हूं। आपका जो क्लास चल रहा है चैप्टर 2 चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो रेगुलर रहेगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं यार, सुना करो भाई, कान है दिमाग है सब कुछ समझा करो यार। एक बात और, ये जो पढ़ा रहा हूं ना वो उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल में अभी चल रहा है और स्कूल में उनको समझ में नहीं आ रहा है, बस याद रखो आज बस। और हां जो बच्चा यहां पढ़ रहा है उनको मैं बोलूंगा ये आज बस इसका विलियन का क्लास होगा, लेकिन ये इसके पूरे क्लास जितने लेक्चर हैं पूरा फुल लेक्चर इस चैप्टर का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उसको जाकर के आप जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा नहीं किए तो बेटा आप पीछे रह जाएंगे, मेरी गारंटी ले लो। एग्जाम के टाइम फिर पढ़ने लगते हो, सर आप मैं शुरू से जाग जाता तो कितना अच्छा होता, मैंने समय बर्बाद कर दिया। अगर बच्चा बोलता है एग्जाम से पहले कि मैंने समय बर्बाद कर दिया, मैंने अभी तक नहीं कुछ किया था सर, मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं जानता था आपको एक दो क्लास बीच में देखा था लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं आज समय बर्बाद कर चुका हूं, मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा कुएं में डूब के मर जाओ। क्या बोलूंगा मैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है बोलने के लायक उस टाइम पे? जो आज बोलोगे तो मेरे पास है कि यार जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक में जाओ और करो। एक और बढ़िया बात बताता हूं, मैंने कल जो बच्चा खरीद नहीं सकता है क्लास पेड कोर्स, उनके लिए भी बोलूंगा, अगर ये फ्री क्लास दे रहा हूं ना, और जो पेड कोर्स में जाना चाहता है जिसमें सारे सब्जेक्ट के अच्छे टीचर के साथ पढ़ना चाहता है, उनको बोलूंगा कल आ जाओ तैयारी करके, विज्ञान की चैप्टर 1 चैप्टर 2 और क्या बोलते हैं हेलो एल्केन, ये 2-4 चैप्टर पढ़ के आ जाओ अच्छे से, मैं क्वेश्चन दूंगा। जो बच्चा टॉप करेगा कल, जो बच्चा टॉप करेगा, इतनी जितना चैप्टर भी पढ़ा है मैंने, जो बच्चा टॉप करेगा उसे मैं देने वाला हूं एक कोर्स पूरा साल भर का, वो भी पैड कोर्स, जो जीतेगा समझ लीजिए, बस इतना ही बात याद रखना। क्या लिखा है जी? चलिए हो गया। सांद्रता मतलब होता है भैया कि पानी में कितना घुला हुआ है, जैसे मैं एक बार बताता हूं, सांद्रता का एक बच्चे ने पूछा सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता का मतलब होता है जैसे मैंने बोला एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर घुला हुआ है, एक पानी का बोतल हो गिलास हो गया, दूसरा गिलास में हमने एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर घोला है, ये दूसरा गिलास हो गया, तीसरा गिलास है एक गिलास पानी में 3 चम्मच शक्कर घुला हुआ है। अब बताओ सांद्रता कैसे, पहले गिलास वाले को कब ले 1 चम्मच प्रति गिलास शक्कर है, उस विलयन की सांद्रता क्या बोला जाएगा 1 चम्मच प्रति गिलास, दूसरे को क्या बोलूंगा 1-2 चम्मच प्रति गिलास सांद्रता है, तीसरे में क्या बोलूंगा 3 चम्मच प्रति गिलास सांद्रता है। मतलब क्या हुआ, एक में एक कम मीठा रहेगा कम सांद्र, दूसरा अधिक मीठा रहेगा अधिक सांद्र, तीसरा और अधिक मीठा रहेगा अधिक सांद्र, पहला वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है हमें कुछ नहीं आता, हमने नापा है ना तौला है ना कुछ किया है, यह है कि किसमें किस विलयन में कितनी मात्रा घुली हुई है यह बताने के लिए सांद्रता। अगर कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे ये इसके अंदर लिखा हुआ, इसके अंदर कुछ विलयन भरा हुआ है, तो मैं इसमें लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल, इसमें ये सैनिटाइजर है, तो इसमें लिखा रहता 95% सांद्रता, तो मतलब क्या हुआ इसमें 100 ml इस विलयन में 95 ml अल्कोहल है और 5 ml पानी है, ये इसका मतलब है। तो सांद्रता इसी को बोलते हैं कि किसमें किस कितने विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है। चलिए साहब, मोल का फॉर्मूला किसी बच्चे ने बच्चा बताया, मोल का फॉर्मूला होता है N=W/m, इस चीज को कितने बच्चों को याद था बताइए जल्दी से, कितने बच्चों को याद था? और जरूरी यह है कि यहां पर एम तो मोल है और ये है द्रव्यमान, डब्ल्यू है द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ये लीजिए ये फॉर्मूला हुआ। अब इसी को हम यूज करेंगे मोल से रिलेटेड करेंगे, एन मोल है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं मोलरता। बच्चों एक बात बताना चाहूंगा सारे बच्चे, देखिए भाई आप यहां पर एक डेट देखेंगे 16 तारीख से 20 तारीख तक, यानी 16 जुलाई से 20 जुलाई तक का आपको एक बढ़िया सा ऑफर है।
हर एक कोर्स में, जेई का कोर्स लेना चाहते हैं जो 9999 का है वो आपको मिल जाएगा 4999 में, और नीट का कोर्स लेना चाहते हैं जो 11999 का है वो 5999 मिल जाएगा 16 तारीख से 20 जुलाई तक का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा टाइम, और ये मिलेगा आरएम 2.0 जो नीट का है जेई का है, फ्लैट 50% ऑफ है भैया, ध्यान रखोगे। इसके लिए आप नीचे गूगल शीट भर दीजिए जाकर के फॉर्म। अच्छा अब मैं पढ़ा रहा था उसकी तरफ चलता हूं। सांद्रता बताने के लिए, एक बेटा जब स्कूल में पढ़ते हो तो एक शब्द आता है मोलरता। मोलरता कितने बच्चों को इसकी परिभाषा याद है बताओ, मोलैरिटी, क्योंकि परिभाषा पर सब कुछ टिका हुआ है इसके, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। कितने बच्चों को परिभाषा याद है भाई? हाँ नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। मोलरता देखिए क्या है बेटा, देखो ध्यान रखें, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब यार एक शब्द लिखा हुआ है, एक भाषा लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या किसी वाक्य को समझने की आप में ताकत है, आदत है? कोई कुछ कह रहा है वो आपके दिमाग में कोई प्रोसेस होता है या नहीं होता है, ये पहले बताओ। अगर होता है तो सक्सेस है 95%, नहीं होता है तो अपने आपको सोच लो कि आप वहां पर ड्रॉप कर रहे हो। हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, लेकिन क्षमता का विकास करना आपके हाथों में है, आपकी आदतों में है। अगर आप अपनी आदतों को ऐसे बनाओगे कि मैं किसी चीज को समझने की कोशिश करूंगा तो समझोगे, अन्यथा समझना आसान नहीं है, याद रखना इस बात को। तो क्या आप कोशिश करते हैं किसी चीज को समझने की, हां कि ना? जवाब दो, अगर हां तो फिर यह लाइन समझ में आ गया आपको, बताओ मैंने क्या कहा यहां पे? नहीं यार नहीं समझते हैं, वही तो तकलीफ है ना। गप्पे मारना सीखते हो ना, गप्पे मारना समझते हो ना, किसी को चिढ़ाना समझते हो ना, रील देखते हो वो समझ में आती है, क्योंकि वो दिमाग लगाने वाला खेल है ही नहीं है। तो बेटा अपने दिमाग को दिमाग लगाने वाला बनाओ, तब रॉकेट उड़ा पाओगे, अन्यथा रॉकेट उड़ाने की बात क्या है, वो छोटी सी कागज का हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते जिंदगी निकल जाएगी, उससे आगे कभी नहीं बढ़ेगा। चलो साहब बात करते हैं, एक लीटर विलयन में लिखा है साहब, एक लीटर विलयन है, उसमें एक मोल घुला हुआ है पदार्थ। विलेय के मोल कितने घुले हैं, कितने मोल घुला हुआ है? विलेय का कितने मोल घुला हुआ है? मोल कैसे निकालते हैं? N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। अब आप यहां पे द्रव्यमान मान लीजिए, मैंने NaOH लिया, NaOH मैंने लिया 5 ग्राम, तो सीधी बात मोल निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, N इज इक्वल टू 5, द्रव्यमान 5 ग्राम है, और अणुभार लिख दूंगा, अणुभार निकालने इसका 40 आता है, अणुभार 40 लिख दूंगा। अब यहां पे इतना मोल घुल गया, 5/40 0.125, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 0.125 हो गया। तो 125, तो यहां पर एक लीटर में यदि इतना मोल घुला हुआ है 0.125, तो इसका मतलब इसके एक मोलरता है। इसका अर्थ पे आप जाइए, कितना मोल घोलते हो, तो द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करने बाद बता लगा कितना होगा। सिंपल बात बोला गया है, एक लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोल को हम मोलरता कहते हैं। साधारण सी बात है एकदम, समझ रहे हैं? यही बात मैंने यहां प्रैक्टिकल बताया आपको क्या करना है बेटा। साइंस प्रयोगों से संबंधित है, साइंस जिंदगी संबंधित, साइंस असली चीज से संबंधित है, साइंस
सही है, यह बात आज भी आपने प्रमाणित तौर पर देखा है कि हमने कितनी तरक्की किया है विज्ञान में कि हमने रॉकेट छोड़ दिया एकदम परफेक्ट चीज पे, जहां पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं दूर से। कितना आसान नहीं है, पर इंसान आसान कर चुका है। आज मुझे पढ़ रहे हो अपने घर में, आसान हो चुका है क्योंकि लोगों ने अपनी जिद से, अपनी ताकत से, अपने जुनून से विज्ञान को पाने की कोशिश किया है, समझने की कोशिश किया है। मैंने भी अगर समझने की कोशिश किया होगा 12th में, तब आज मैं पढ़ा पा रहा हूं। ध्यान रखना यही बात आपके साथ लागू होती है। तो क्या बोला बताओ इसको, हां तो क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ बेटा, मोलरता फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर, देखो मोलरता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो है विलेय की मोलों की संख्या, या विलेय का मोल भी लिख सकते हो, मोलों की संख्या बड़ा अच्छा शब्द लगता है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यह है भाई साहब, विलेय के मोलों की संख्या बाई, अब बोला है एक लीटर, एक का मतलब होता है प्रति शब्द उपयोग करते, प्रति मतलब होता है बटा, यस, तो मैं लिख रहा हूं विलयन का आयतन, प्रति लीटर विलयन, विलयन का आयतन हो गया फॉर्मूला। इसको कैसे दर्शाऊंगा, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, विलयन के आयतन को वी से दर्शाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आयतन, तो यहां पर विलयन का आयतन वी से दर्शाते हैं, विलेय का मोल, विलेय का मोल, मोल एन, विलेय का बी, एम बी, यस, एन बी बाई वी, फॉर्मूला हो चुका है। और आयतन किसमें है बेटा, लीटर में है, फॉर्मूला बनानी आना चाहिए, दिमाग खोल लो, अगर दिमाग में पहली बार में नहीं फंस रहा होगा वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत सॉफ्ट तरीके से पढ़ाया मैंने रिकॉर्डिंग वीडियोस में, आप जाके देखिएगा भैया, मैंने लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ध्यान रखो लगा दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। चलो साहब बात करता हूं मैं आगे, ये हो गया, अब बात करो अगर आप इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है, अगर फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हो तो, नहीं बढ़ाना चाहते वो रुको यार, आदमी या तो साइकिल में पूरी जिंदगी गुजार देगा या फिर थोड़ी मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा करके बाइक ले लेगा, ज्यादा मेहनत करके वो कार ले लेगा, और ज्यादा मेहनत करके लग्जरी कार ले लेगा, और ज्यादा मेहनत करके हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है, ज्यादा मेहनत हुआ तो रॉकेट में भी जा सकता है, समझ जाती है बातें, मेहनत पे डिपेंड करता है। तो क्या मेहनत करते हो, इसको भी आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ एन बी का है तो एन बी होगा, डब्ल्यू बी होगा, एम बी होगा, तो हमने लिखा कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये है अपॉन बी वी इन लीटर। बेटा एक बात और है कि इसको हम और सरल तरीके से लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी गणित नहीं आती है, क्यों नहीं आती भाई, जिंदगी में पढ़ना क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने, स्कूल में पढ़ना पढ़ना नहीं होता है, घर में आके मेहनत करना, टीचर ने पढ़ाया घर में और मेहनत करना, ये पढ़ना होता है। बहुत सारी बात आज कह रहा हूं आज की क्लास में, क्योंकि आग लगते हैं यार बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो, है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो आज की क्लास स्पेशल इसलिए है कि आप सबको मैं बता रहा हूं, जितने भी विलयन पढ़ रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं प्लेलिस्ट का, पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि कंटिन्यू कर चुका हूं यार, तीन तीन बार पढ़ा चुका हूं यार, आज तक आते आते। तो जो बच्चा विलियन विलियन की बात कर रहे थे उनके लिए मैं बना दिया हूं, ठीक है साहब। आज बात करते हैं, ये हो गया इनटू वी इन लीटर। अब बेटा अब लीटर में दिया है, अगर सामने हमने लीटर में वैल्यू दिया है, आयतन दिया है विलियन का, तो चलो ठीक है मान रख देंगे आयतन, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर, लेकिन एमएल में दे दिया तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए एमएल बाई थाउजेंड करेंगे तब लीटर होता है, ध्यान रखना। तब क्या हुआ, M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इन टू वी, ये ml में दिया है इन ml, तब ml बाई थाउजेंड करेंगे तो बाई थाउजेंड ऊपर चलाएगा। सो फॉर्मूला ये हो गया बच्चों, फॉर्मूला ये हो गया। टेस्ट कहां होगा, कल होगा, कल आप क्लास में आइएगा, एक गूगल लिंक है उसको क्लिक कर लीजिएगा, उसमें जाकर के होगा,
कल जब लिंक चालू होगा तो हम आपको पूरी बात बताएंगे किस तरह से होगा, लेकिन गूगल शीट दिया गया है उसका नीचे लिंक दिया जा रहा है, उसको भी आप कर लोगे, वहां से आप कल लाइव टेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखो, जब बच्चों जो आप पूछ रहे हो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, 1000 से डिवाइड कर दो, क्यों डिवाइड किए, ml by 1000 करोगे तो लीटर, तो फॉर्मूला रियल में लीटर में है क्योंकि यहां पर लीटर में, देख लें फॉर्मूला बच्चों याद कर लिए, मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अभी दे रहा हूं थोड़ी देर में। m is equals to wb into 1000 by mb into v, याद हो गया, यस सर, लिख दो। चलिए साहब आगे बात करते हैं, आगे देखें, मैं जो बता रहा था एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये प्रश्न है, बोलो ये प्रश्न कैसे हल करोगे, क्या बनेगा, अभी देखें प्रश्न। 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 500 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन, कितने बच्चे बना डालेंगे, जो बच्चे बना लेंगे यस लिखो, और जो नहीं बना सकते अभी सीख लो, जल्दी से सिखा देता हूं आपको। चलिए भाई बताइए, इस क्वेश्चन के बाद फिर मोलरता समझेंगे, मोललता समझेंगे, अभी मोलरता समझ रहे हैं, मोललता समझेंगे, यस सर वेरी गुड। तो क्या होगा, देखो बच्चों, देखिए मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले तो क्या दिया है सॉल्व करते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, पदार्थ दिया गया है, विलेय दिया गया है NaOH, कितना ग्राम दिया गया है, यह दिया है WB, NaOH 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम, फिर क्या दिया, विलयन में घोलने पर विलयन का आयतन 500 ml है, तो यह है V is equals to 500 ml। अब बेटा एक बात है, मोलरता जब ज्ञात करते हैं तो अणुभार की जरूरत पड़ती है, तो इसका अणुभार क्या आता है, सोडियम का भार परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40, ये मिलेगा। ज्ञात क्या करना है, बोलो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, बोलो ज्ञात करना है मोलरता, ये लीजिए। सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र है m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन ml, ml में आयतन दिया है। देखो अब बताओ m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी है 5 इंटू 1000 बाई एम बी है 40 इंटू 500, आया कि नहीं, सब कुछ मिल गया ना, ये जीरो कट गया भैया पूरा, ये 5 कट गया, 5 कट गया, अब मिल गया हमें m इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि m इज इक्वल्स टू 0.25 मोल पर लीटर, या लिख सकते हैं 0.25 कैपिटल M, ये लिखा जा सकता है। यस, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया भाई, जबरदस्त, ये होती पढ़ाई, यानी कि आप क्लास में पढ़ रहे हो मजा आएगा बेटा। क्या क्या पढ़ना होता है इस क्लास में आपको पूरी बताऊंगा मैं आपको बातें, देखिए ये हो गया मोलरता हो गया बच्चों, ये बताया था मैंने कि आप सबको बता दें कि आरएम 2.0 जो कि जेई और नीट के बैचेस हैं, नीट की क्लास, जेई की क्लास 9999 का है, जो कि आपको अभी फ्लैट 50% ऑफ में मिल जाएगा 16 तारीख से 20 जुलाई तक का। बेटा याद रखना, यहां पर ये 9999 का है जो कि 4999 मिलेगा, और ऐसे ही नीट 11999 का कोर्स है जो कि 5999 मिल जाएगा। अगर आप चांस लेना चाहते हो ले लो बेटा, मतलब यह है कि सबसे बेहतर कोर्स आपको मिल रहा है इतने में ही, बहुत सारे फीचर्स के साथ जो एक बच्चे को सक्सेस देगा। और साथ में याद रखना, जिन बच्चों को लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कैसी क्लास चाहिए क्या बेटा, देखो आप इतने में नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, इतने में तो ले सकते हो, अभी अभी ऑफर है, हर बार नहीं मिलती ये ऑफर, तो अभी ये ऑफर मिल रहा है आपको 16 से 20 जुलाई तक का, जल्दी से कॉल कर सकते हो, अभी अगर गूगल शीट भर देते हो तो उससे पहले भी मिल जाएगा भाई, एक बात बता दूं मैं आपको, आज 14 तारीख है, कल 15 है, समझ रहे हैं ना। चलिए साहब अब बताता हूं आपको मोललता, मोललता स्मॉल m, मोलैलिटी, मोलैलिटी,
मोनलता क्या है? छोटी सी बात, फिर वही बात पकड़ना है कि छोटी सी लाइन जब पकड़ में आती है तो पूरा बताना मुझे। लाइक बटन जरूर दबा दो बच्चों, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना तो ताकत बढ़ जाती है, थकान खत्म हो जाता है। शिक्षक से प्यार करना शिक्षक का पैर छूने के बराबर होता है, लाइक करना शिक्षक के प्यार के बराबर होता है, शिक्षक के आशीर्वाद के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब आगे बात करता हूं मैं। भाई मोलता का फॉर्मूला परिभाषा क्या लिखूंगा? एक किलोग्राम, एक किलोग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। बताओ क्या मतलब है इसका? एक बात और कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, जो सोमवार को आगे बढ़ेगा उसका लेक्चर, जो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है वो रेगुलर करते रहे, और जो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने क्लास में बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए जितनी क्लासेस अभी हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो पूरा लाइन से एक बार कर लो मंडे तक आते आते। अब देखना बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुपर बन जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूं बड़ी ईमानदारी से पढ़ाने की, आप भी कोशिश करो कि ईमानदारी से पढ़ने की, वो क्लासेस बहुत ही ईमानदारी से बनाएगी। जब क्लास बड़ी ईमानदारी से बनाई जाती है ना तो मैं बहुत शांति से पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनो। क्यों बेटा? मेरा काम नाचना नहीं है, मेरा काम चिल्लाना नहीं है, मेरा काम सबको हर बार समझाना नहीं है, हर बार मोरल और गाइडेंस देना नहीं होता है। मेरा काम है एक सच्चाई से एक स्टूडेंट को किसी टॉपिक को सिखाना और समझाना। एक शिक्षक को वही बने रहने दो यार, ध्यान रखना। यह बात मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए कि अगर आप एक सच्चा शिक्षक चाहते हो तो देखना मेरी पिछली क्लासेस, पिछले दो क्लास देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, या मेरे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उस वीडियो को देखना, मैंने बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया, समझ रहे हो? यह बात हमेशा ध्यान रखना। हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे अच्छी पढ़ाई दें। सबसे अच्छी पढ़ाई में रेगुलर रहिए बच्चों। आपके नाम कभी पहली बार दिखता है, कभी 10 दिन बाद दिखता है, तब ऐसा लगता है यार आप पढ़ना नहीं चाहते हो, मजाक करना चाहते हो, मजाक समझते हो, यानी टीचर नाचे और आप पढ़ो। बेटा ऐसा मत करिए आप, बहुत गंदी आदत है, बहुत गलत बात है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। चलिए चलें, क्या हुआ? एक किलोग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, तो मोललता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो कहेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं बेटा? nb से। अब यार ये पूरा लंबा लिखने की क्या जरूरत है, समझ गया ना? nb मतलब विलेय की मोलों की संख्या बाय यहां पर लिखा हुआ है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए से दर्शा सकता हूं। सो आपको इतना तो पता है कि एम बी बराबर होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी। सो हमारा फॉर्मूला हो गया स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन केजी, किलोग्राम को मैं अगर ग्राम में कम कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 1000 से इसको भाग देने पर ये ऊपर आ गया। ये फॉर्मूला है मोललता का, ध्यान रखिएगा। कल टेस्ट है बच्चों, लाइव टेस्ट है, आप सब तैयार रहिएगा, गूगल शीट का फॉर्म भर लीजिए, बहुत बड़ी चीज है, एक कोर्स आपको पूरा फ्री में मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। याद देखो, पैसा देके प्राप्त करो या अपनी मेहनत से प्राप्त करो, मेहनत से प्राप्त करोगे हमेशा काम आएगा, एक बार जीतने पर आपकी मोरल पावर बढ़ जाएगा, याद रखना इस बात का। ये योगेश सर का क्यूट बेटा लिखा क्या है, क्या मैसेज करता है देखो तो,
जी, पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहा है ना। हाँ, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए भैया। चलिए यार, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? एक लड़का लिखा है, हटाओ उसको, पढ़ाई पे ध्यान नहीं उसका। डार्लिंग शिवम लिखा, हटाओ उसको। कुछ भी मैसेज करने वाले बच्चे को हम नहीं रखते भैया, हमें आपकी सिर्फ व्यू नहीं चाहिए भाई, आपकी हम सक्सेस चाहते हैं। एक लिखा था, क्या क्या लिखा था डार्लिंग, क्या लिखा था? हाँ चलिए, ऐसे मत लिखो। हाँ शिवम डार्लिंग, ठीक है, हटा दो भाई इसको। चलिए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, करना है। चलिए ये प्रश्न है, कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को? देखिए क्या चीज है बेटा, एकदम सरल है। देखो 50 ग्राम बेंजीन, 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल की मोललता ज्ञात करिए। एक विलयन है भाई, बेंजीन और इथेनोइक अम्ल। बेंजीन और इथेनोइक अम्ल में विलायक कौन है बताओ? बेंजीन और इथेनोइक अम्ल में जिसकी मात्रा अधिक है, बेंजीन, तो सीधा सा मतलब है डब्ल्यू ए है 50 ग्राम, जो कि बेंजीन है, बेंजीन ए है, और इथेनोइक अम्ल बी है, विले है, और डब्ल्यू बी है कितना, 2.5 ग्राम। अब डब्ल्यू बी से एम बी कैलकुलेट करना है, तो ये एम बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अणुभार निकाल लो, CH3COOH का अणुभार निकालना मैंने सिखाया आपको। जिन लोगों को नहीं पता भाई कैसे करना है, वो ध्यान रखो, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और आपको बता दूं कि जिन बच्चों को अभी स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, ट्यूशन में नहीं समझ में आ रहा है विलयन अच्छे से, वो बिल्कुल वो वीडियोस देख लीजिएगा लाइन से, एक एक चीज में प्रैक्टिस करना, कॉपी में लिखना, नोट्स बनाना, फिर देखना आप टॉप जरूर करोगे स्कूल और ट्यूशन, और इसका आप टॉपर स्टूडेंट रहेंगे, भाई ये कह सकता हूं मैं। चलिए साहब ध्यान रखो आप आगे। तो क्या ये हो गया हमारा? तो भाई m इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। फॉर्मूला में मान रख दो बच्चों जल्दी, तो हो गया 2.5 इंटू 1000 इन, हाँ यहां पर कितना हो जाएगा ये 60 इंटू कितना 50, ये 50। अब इतना तो समझ में आ गया कि जीरो दो जीरो कट जाएंगे ऊपर और नीचे का, ये 2.5 वन जा और ये हो गया 2 जा, तो कितना हो गया 10/12, यानी कि 6/5, 5/6 कितना होगा बताओ जल्दी से, 5/6 कितना होगा? चलो जल्दी करो जी, 0.83 ये होगा आंसर, यानी इसका इकाई होगा मोल पर केजी। तो बच्चों जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगा, यहां पे पूरी चीजों को देखिएगा क्या क्या बात समझ में आई। एक तो यह है कि जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते थे सर आरंभ बैच में मुझे एडमिशन लेना है पर फीस बहुत ज्यादा है, तो अभी मैंने कम कर दिया है, 16 तारीख से 20 तारीख तक, यानी 16 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको यह कोर्स काफी आधे प्राइस में मिल जाएगा, और वो है 9999 का 4999 में, और नीट का 11999 का 5999 में। इसके लिए आप नीचे गूगल शीट दिया गया, गूगल फॉर्म दिया गया, उसको भरिए और ये वाला ऑफर पाइए, जल्दी करें, आज ही करें, गूगल फॉर्म भरें। और हां विलियन को पूरी तरह से समझने और सीखने के लिए एक काम आपको करना होगा कि मैंने पूरा ये वीडियो ये क्लास तीन तीन चार चार बार पढ़ाया है, एक बार उस पूरे प्लेलिस्ट को कर दो, बढ़िया सा पढ़ाई कर लो, और हां 100% श्योर है कि आप पूरा पढ़ेंगे। आज विलियन की ये क्लास इसीलिए लिया गया है क्योंकि वो बच्चा जिसके स्कूल में यह चल रहा है वो थोड़े से कमजोर पड़ रहा है, तो आपकी कमजोरी हट जाएगी। बस सिंपल सी बात समझना है, विलियन किसे कहते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, संकेत क्या है, मोलरता, मोललता समझ में आ गया, उसके बाद तो फिर आसान हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान। और आप क्या समझे, क्या कहना चाहते हैं, वो कहने के लिए गूगल फॉर्म भरिए, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए गूगल फॉर्म भरिए, मैंने गूगल फॉर्म दे दिए, आप क्या कहना चाहते हैं उसमें दो लाइनें आप जरूर लिख करके अपने कमेंट्स जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिएगा आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग
हम सुन रहे हैं आपकी, जो यहां पर आप चैट कर रहे हैं उन्हें हम सुन रहे हैं। तो आज की बातें यही पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।